3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने ही हर वर्ग को लुभाने के लिए दांव चले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करके चीन विरोधियों का दिल जीता है। दूसरी तरफ भारत का समर्थन करने के कारण ट्रंप को भारतीय अमेरिकियों के वोट मिलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसे देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नया दांव चला है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले 20 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकी परंपरागत तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय अमेरिकियों का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की ओर हो गया है। भारतीय अमेरिकियों को ट्रंप की भारत समर्थक नीति पसंद आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के समय भी ट्रंप ने भारत का साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की चुप्पी भारत के हित में ही रही। इसके अलावा चीन के मुद्दे पर भी अमेरिका ने भारत का भरपूर समर्थन किया। भारत के साथ खड़े रहने की ट्रंप की नीति के कारण भारतीय अमेरिकियों का समर्थन रिपब्लिकन पार्टी को मिलने लगा है। हिंदू फॉर ट्रंप के नाम से चुनावी कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों इस संगठन ने वर्चुअल रैली की थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की नजदीकियों के कारण भारतीय अमेरिकियों ने अब की बार ट्रंप सरकार के नारे के साथ भी कैंपेन शुरू किया। भारतीय अमेरिकियों के ट्रंप के साथ जाने के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी परेशान हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने इस बीच भारत विरोधी रुख अख्तियार किया था। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने भारत सरकार के फैसले का विरोध किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के लिए कैंपेन चला रही थी, तो 2 बार उनसे कश्मीर के बारे में सवाल पूछे गए थे। उन्होंने दोनों ही बार कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात कही थी। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कश्मीरियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में वे अकेले नहीं हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था। यही नहीं, आरओ खन्ना, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति और कमला हैरिस ने तो सीएए पर भी भारत सरकार के फैसले का विरोध किया था। इनकी इसी नीति के कारण जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर गए थे, तो उन्होंने उस प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था जिसमें प्रमिला जयपाल भी शामिल थी। जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया था कि इन नेताओं ने कश्मीर और सीएए पर भारत का विरोध किया है। प्रमिला जयपाल से मिलने से मना करने पर कमला हैरिस ने भी विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचना की थी। अगर देखा जाए तो भारतीय मूल की कमला हैरिस के विचार भारत विरोधी रहे हैं। इसके कारण डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जो बिडेन एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। एक तरफ वह भारतीय मूल के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस के भारत विरोधी रुख से उन्हें पाकिस्तान और चीन मूल के लोगों का भी समर्थन मिल सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहे। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।